चलिए बच्चों, आप सबका स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं गुरुदत्त चौधरी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, सीएल कैरियर एकेडमी ने आपके लिए एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवाते हैं। अभी हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको पेपर भी करवाना शुरू करेंगे। हमारी जो टॉपिक की क्लास है वो ऐप के ऊपर चल रही है, तो आप वहाँ पर आपको अगर टॉपिक पढ़ने हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए, आपको उसको पूछना हो, तो आप उसके लिए हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, और आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, जिसपे भी थोड़े दिनों में आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी, यूट्यूब पे भी लाइव क्लास देखने को मिलेगी। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए वो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो लोग बाग अक्सर नहीं बताते हैं। एक एक चीज़ बेसिक से कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कैसे एग्ज़ाम में करना होता है, हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, उसके मैं दो भाग पढ़ा चुका था, अब अपन तीसरे भाग पर आते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन में भी तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आते हैं, और एक जीके वाले क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन अपन कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था जब भी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको क्या करना है, रैंक देनी है। क्या करना है भाई, रैंक देनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे, सर ये तो बड़ा आसान है, मैं तो एग्ज़ाम में जाके ही कर लूँगा। तो याद रखिए, एग्ज़ाम में जाके करना और यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके करते ही आप क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी याद नहीं करके जाते, ए बी सी डी पीछे ले जाके लिखते हैं और बार बार हर क्वेश्चन में पलट पलट के देखते हैं, क्योंकि ए बी सी डी अल्फाबेट सीरीज में भी आएगी, कोडिंग डिकोडिंग में भी आएगी, एनालॉजी में भी आएगी, ओड मैन आउट में भी आएगी, और शब्दकोश वाले चैप्टर में भी आती है काम में। तो पांच जगह काम में आती है, पांच में से चार क्वेश्चन तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। अगर आपके सामने पांच क्वेश्चन में से चार क्वेश्चन आ रहे हैं और चार क्वेश्चन में अगर आप बदल बदल के देख रहे हैं ए बी सी डी को, तो आप 30 से 40 सेकंड बर्बाद कर देंगे, और एक एग्ज़ाम में 30 से 40 सेकंड बर्बाद करना बड़ा भारी पड़ेगा आप पे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कट ऑफ गई 75 नंबर, किसी के आए 74 और किसी के आए 76 नंबर, तो देखिए 76 वाला तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट, 74 वाला रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में टैलेंट की कमी है, इसमें टैलेंट की कमी है, इसमें टैलेंट ज़्यादा है, टैलेंट उसमें भी उतना ही है, पर इसको क्या हुआ, एग्ज़ाम करना नहीं आता है, इसको एक एक सेकंड बचानी नहीं आती है। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर पहलू पे काम करना पड़ेगा, हम आपको हर पहलू बताने वाले कैसे करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर आपको नीचे दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अपन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब भी ए बी सी डी आपके सामने आए, अपने को क्या करना है, रैंक देना है। और इस चैप्टर का पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि भैया तीन एक जैसे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, एक अलग चलेगा वो आपका आंसर होगा। तो चलिए आइए दीजिए रैंक। एच की रैंक 8, डी की 4, एफ की 6, आई की कितनी, 9। देखिए यहाँ से यहाँ आता हूँ तो क्या करना पड़ा मेरे को, 4 कम। यहाँ से यहाँ पे आए तो क्या करना पड़ा, 2 जोड़ना पड़ा। यहाँ से यहाँ पे आए तो कितना करना पड़ा, 3 जोड़ना पड़ा। तो 4 कम किया, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। सेम कहानी यहाँ पे आके देखिए, एन की रैंक कितनी है, 14। जे की रैंक कितनी है भाई, 10। एल की रैंक कितनी है, 12। ओ की रैंक कितनी है, 15। देखिए यहाँ से यहाँ पे आए तो भी -4, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3। चलिए इसके ऊपर आइए, क्या रैंक है, देखिए 19। फिर इसकी रैंक कितनी है, 15 है। फिर क्यू की रैंक कितनी है भाई, 17। टी की रैंक कितनी है, 20। आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ पे आए तो -4, +2, +3। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना सोचने के बाद चौथा आंसर लगा देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कभी कभी क्या होगा, हर किसी के अंदर सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको हर जगह सोल्व करके देखना है। ए बी सी डी के क्वेश्चन दिखने में आसान होते हैं, पर कभी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो मुश्किल खड़ी कर देगा। चलिए इसके ऊपर आइए, कितनी रैंक है, 23, 19, 24 और कितनी, 26। आप देख सकते हैं 23 से 19 पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, -4। यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे +2। तो देखिए बाकी सब में -4, +2, +3 हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये अलग है, ये आपका आंसर। पक्का कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान सी चीज़ थी। आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, मैं आपको हर क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप करके आंसर टाइप कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, जो भी आपकी इच्छा हो आप देते भी जाइए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आपके पास थोड़ा सा समय, आप आंसर दे सकते हैं। जल्दी करिए थोड़ा आप।
जल्दी करते हुए जाइए, आई होप आपने कर लिया होगा, बस इतना सा टाइम होगा आपके पास। स्पीड बढ़ाइए अपनी, रैंक दीजिए, आइए। ए की रैंक कितनी है? एक है। एफ की रैंक 6 है। सी की रैंक कितनी है? 3 है। जी की रैंक कितनी है भाई? 7। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे आए तो +5 करना पड़ा, यहाँ से यहाँ पे आए तो -3, और यहाँ से यहाँ पे आए तो +4 करना पड़ा। पक्का कोई दिक्कत? दूसरे पे आइए। डी की रैंक कितनी होती है भाई? 4 होती है। आई की रैंक 9। जी की रैंक कितनी होती है? 7 होती है। और एल की रैंक कितनी होती है? 12। आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ से यहाँ पे आए तो +5 करना पड़ा, यहाँ से यहाँ पे आए तो -2 करना पड़ा, और यहाँ पे क्या करना पड़ा आपको? +5 करना पड़ा। आइए आगे वाले पे आइए। कितनी रैंक? 9। फिर कितनी रैंक? 14 रैंक है। फिर कितनी रैंक है भाई आपकी? 12 रैंक है। फिर कितनी रैंक आपकी? 17। आप देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ पे आए तो क्या करना पड़ेगा आपको? +5, -2, +5। पक्का कोई दिक्कत? आगे वाले पे आइए। क्या है? 15 रैंक। ओ की रैंक 15, टी की रैंक 20, आर की रैंक 18, और डब्ल्यू की रैंक कितनी? 23। आप यहाँ से यहाँ पे आओगे +5 करना पड़ेगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे +5। आप देख सकते हैं लास्ट वाले तीन ऑप्शन में +5, -2, +5 हो रहा है, पहले वाले में ऐसा नहीं हो रहा। तो पहला इन तीनों से अलग है, तो आपको ये देखना है तीन एक जैसे पैटर्न पे होने चाहिए, चौथा अलग होना चाहिए, तो चौथा अलग है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, करने की कोशिश करिए, क्या करें। चलिए, इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है। पहला तरीका, आपको डायरेक्ट देखते ही पता चल रहा है कि ये पेयर लेटर है, आपको डायरेक्ट आंसर देना भी आना चाहिए। कैसे? बी का पेयर वाई, सी का पेयर एक्स। मैंने आपको याद कराया था जिन दो अक्षरों की रैंक का जोड़ 27 होता है वो आपस में पेयर लेटर कहलाते हैं। आइए, सी का पेयर एक्स, डी का पेयर डब्ल्यू, ए का पेयर जेड, वाई का पेयर बी, डी का पेयर डब्ल्यू, ई का पेयर वी। आप तो बोलेंगे सर ये तो सारे के सारे पेयर लेटर हो रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। क्या? बी छोटा है, वाई बड़ा है, सी छोटा है, एक्स बड़ा है। सी छोटा, एक्स बड़ा, डी छोटा, डब्ल्यू बड़ा, ए छोटा है, जेड बड़ा है, वाई बड़ा है, बी छोटा है, उल्टा हो गया। यहाँ पे आइए, डी छोटा, डब्ल्यू बड़ा, ई छोटा, वी बड़ा है, इसका मतलब इसके अंदर उल्टा हो गया, तो ये अलग है, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये इस क्वेश्चन को करने का, किताबों में आपको ये दिया मिलेगा। ये कितनी रैंक है देखते हुए जाइए, 2। ये कितनी है? 25। ये 3। ये कितनी है? 24। आप यहाँ से यहाँ पे आए तो +1 करना पड़ा, यहाँ से यहाँ पे आए तो -1 करना पड़ा। सेम कहानी, सी से डी पे जाएंगे तो +1, और एक्स से डब्ल्यू पे आएंगे तो -1। ऐसा क्यों किया? मैंने आपको नंबर सीरीज में बताया था कि सीरीज बढ़ जाए घट जाए, बढ़ जाए घट जाए, तो अपन क्या कोशिश करते हैं, अगर अक्षर ज़्यादा दूर हो तो अपन एक छोड़ के एक पे आने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें आइए, ए से वाई पे आएंगे तो +1 करने पर नहीं बात बनेगी, जेड से बी पे आएंगे तो भी -1 करने से बात नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 करने पे हो रहा है, तो इन तीन में तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, तो ये आपका आंसर है। दोनों तरीकों से सेम आंसर आ रहा है। अगर बाय डिफॉल्ट ऐसा होता कि रैंक देने से अलग आंसर आता और पेयर लेटर से अलग आंसर आता, तो अपन पेयर लेटर वाले को ज़्यादा सेम मानते हैं। पक्का कोई दिक्कत? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कोशिश करिए, क्या करेंगे आप। कोशिश करके देखिए क्या करेंगे, आपके पास थोड़ा सा समय है, कोशिश करिए। चलिए क्या करेंगे भाई, वही रैंक देंगे, थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करिए आप। रैंक दीजिए कितनी रैंक? जड की रैंक 26 है, ए की रैंक 1 है, सी की रैंक कितनी है? 3 है, ई की रैंक 5 है, और जी की रैंक कितनी है? 7 है। आप देख सकते हैं 26 से 1 पे आने के लिए मेरे को एक ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे ही ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक खत्म होती है वापस किससे शुरू हो जाती है? ए से शुरू हो जाती है। यहाँ से यहाँ आने के लिए मेरे को 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी मेरे को 2 जोड़ना पड़ेगा। चलिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, ये पहला ऑप्शन था। ओ की रैंक 15 होती है, क्यू की रैंक 17 होती है, एस की रैंक 19 होती है, यू की रैंक 21, और डब्ल्यू की रैंक कितनी होती है? 23। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। हर जगह कितना कितना जुड़ा है? 2-2 जुड़ा है। चलिए इसके ऊपर आ जाइए। आइए, वी की रैंक कितनी होती है? 22। एक्स की रैंक कितनी होती है? 24। जेड की रैंक 26। बी की रैंक 2 और डी की रैंक कितनी होती है? 4। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ तो कितना जोड़ना पड़ा? 2।
यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ तो कितना जोड़ना पड़ा, दो। देखिए क्या 26 में दो जोड़ने पे दो आता है क्या? आप देख सकते हैं जेड की रैंक कितनी होती है, 26। 26 में एक जोड़ेंगे तो 27 ए, और दो जोड़ेंगे तो 28 क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो मैं इसको दो भी लिख सकता हूँ, 28 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, दो जोड़ने पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी दो जोड़ने पे आ रहा है, तो इसमें भी हर जगह दो दो जोड़ता हुआ जा रहा है। मैं दो दो जोड़ता हुआ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले नंबर से हमेशा आगे वाले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, सीरीज धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है, तो अपन ऐड करते हुए जा रहे हैं। ये मैं नंबर सीरीज में पढ़ा चुका था, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा है वो ऐप पे जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, एच की रैंक कितनी है, 8, जे की रैंक 10, एल की रैंक 12, एन की रैंक 14, और पी की रैंक कितनी है, 16। आप देख सकते हैं हर जगह कितना कितना जोड़ने पे आएगा, दो दो जोड़ने पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इन तीन ऑप्शन में हर जगह दो दो जुड़ रहा है, इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये इन तीनों से अलग है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बच्चों वाली बात है, आपको बस सोल्व करना है। मैं आपको सिर्फ सोल्व करवाता हुआ जा रहा हूँ, आपको भी कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मेरे को पता है किताब खोल के तो आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले नहीं है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। चलिए अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर एक, क्या करेंगे, रैंक देंगे, दीजिए रैंक कितनी, 13, 14, यहाँ पे कितना है भाई, जल्दी बोलिए, 24 और कितना, 25। आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक जोड़ने पे आए, यहाँ पे एक जोड़ने पे आए। चलिए अगला देखिए, ए बी पी और क्यू, आप बोलेंगे यहाँ पे भी एक जोड़ने पे हुआ, यहाँ पे एक जोड़ने पे हुआ, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो देखिए दो दो का पेयर बनना था, तो मैंने पेयर बना लिए। चलिए यहाँ पे आइए, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, कितना कितना जोड़ने पे आ रहा है, एक एक सेम कहानी, ई से एफ जाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, एन से एन जाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा। अब कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं, तीन ऑप्शन में एक जैसा आ गया है तो चौथा ऑप्शन आंसर टिक कर देते और आंसर गलत हो जाता। आपको ऐसा नहीं करना है, अब तो हर जगह सेम पैटर्न लग रहा है, अब अपन क्या करें, गौर से सुनते हुए जाइए। मैंने आपको बताया था जब नंबर देना फेल हो जाए, नंबर हर जगह देके देखते, कभी कभी चारों में पैटर्न लग जाता है, कभी कभी दो दो में पैटर्न लग जाता है, कभी कभी एक छोड़ के एक लग जाता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से लगता है। अगर सीरीज बढ़ जाए घट जाए, बढ़ जाए घट जाए, तो अपन एक छोड़ के एक पे आने की कोशिश करते हैं। नंबर पास पास होते हैं तो अपन कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, अगर पहले दो नंबर पास पास हो, आगे वाले दो नंबर पास पास हो, तो अपन क्या करते हैं, दो दो के जोड़ों में पैटर्न लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ये दोनों पास है, ये दोनों पास, पक्का हुआ दिक्कत। चलिए नंबर देने से फेल हो गया तो किस पे आते हैं, पेयर लेटर पे आते हैं। आप देख सकते हैं एम का पेयर एन है, लेकिन एक्स का पेयर नहीं दे रखा है, ए बी आपस में कोई पेयर नहीं होते, यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं है, इधर भी कोई पेयर नहीं है, बस एम और एन पेयर है। इसका मतलब पेयर लेटर से तो बात नहीं बन रही, पक्का हुआ दिक्कत। तीन जगह पेयर लेटर होने चाहिए थे, एक जगह नहीं होता तो अपन आंसर लेते। फिर मैंने बताया था अगर पेयर लेटर से बात नहीं बने तो अपन किसके ऊपर आते हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन पे आते हैं। आप देख सकते हैं एम एन एक्स वाई, एक भी स्वर नहीं है, जीरो है, स्वर मतलब ए ई आई ओ यू, पांच स्वर होते हैं। इसमें देखिए एक है ए, इसमें देखिए एक है यू, इसमें देखिए एक है क्या ई, तो आप देख सकते हैं चार में से तीन ऑप्शन में एक एक स्वर आ रहा है, इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर पक्का कोई दिक्कत, ये अलग है इनसे, इसमें कोई स्वर नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पक्का कोई दिक्कत। पांच क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर छह पे चलिए, कोशिश करके देखिए आप क्या करेंगे, कोशिश करिए क्या। चलिए भाई जल्दी करिए थोड़ा सा, आंसर देते हुए जा सकते हैं आप, क्या आंसर आएगा। चलिए क्या करेंगे, ए की रैंक कितनी होती है, 1, डी की रैंक 4, जी की रैंक 7, और जे की रैंक कितनी होती है, 10। आप देख सकते हैं यहाँ से आने में प्लस 3 हुआ, यहाँ पे भी प्लस 3 हुआ, यहाँ पे भी प्लस 3 हुआ। मैंने हर जगह क्यों जोड़ा है, क्योंकि सारे नंबर पास पास है, सीरीज कंटिन्यू बढ़ती हुई जा रही है, अगर सीरीज बढ़ती घटती बढ़ती घटती तो अपन एक छोड़कर एक पे आते, अगर दो नंबर पास पास होते और आगे वाले दो नंबर पास पास होते और बीच में ज़्यादा गैप होता तो अपन दो दो के गैप में लिखते, पक्का कोई दिक्कत। एन की रैंक 14, क्यू की रैंक कितनी होती है 17, टी की रैंक 20, वी की रैंक कितनी होती है 22। देखिए कितना जोड़ा, 3, कितना जोड़ा 3, लेकिन यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ रहा है 2। आइए पी की रैंक कितनी होती है भाई 16, एस की रैंक कितनी होती है 19, वी की रैंक कितनी होती है 22, एक्स की रैंक कितनी होती है 24 होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना जोड़ा, जल्दी करिए, 3 जोड़ा, यहाँ पे भी 3 जोड़ा, और यहाँ पे कितना जोड़ा आपने 2। अगले पे आइए,
सी की रैंक कितनी होती है? 3 होती है। एफ की रैंक 6 होती है। आई की रैंक 9 और के की रैंक कितनी? 11। आप देख सकते हैं प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, आप देख सकते हैं इन तीनों में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 लग रहा है, इसमें प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 लग रहा है, तो ये अलग है, ये आपका आंसर है। अब देखिए कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 लिखा, ये तो अच्छा पैटर्न होता है, दिखने भी अच्छा लग रहा है, दूसरा ऑप्शन जब ऐसे आता है तो बिना टाइम वेस्ट किए दूसरा आंसर लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट छांट के लाया हूँ कि जो आपको दिखता है ज़रूरी नहीं है वही हो सकता है अलग पैटर्न लगे और तीनों में एक जैसा लगे, तो आंसर क्या आने वाला है इसका? ए आने वाला है। आई होप मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो आप हमें बोल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलिए क्या करेंगे, थोड़ा गौर से देखते हुए जाइए। आइए, ए की रैंक 1, सी की रैंक 3, डी की रैंक कितनी? 4, एफ की रैंक 6। आपको अच्छा लगेगा, आप यहाँ से यहाँ पे आए कितना जोड़ा? 2। यहाँ से यहाँ पे आए आपने 1 जोड़ा, यहाँ पे कितना जोड़ा? 2। थोड़ा गौर से देखते हुए जाइए, टी की रैंक कितनी? 20, यू की रैंक 21, ओ की रैंक कितनी आएगी? 15, और पी की रैंक कितनी आएगी? 16। आप देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ पे आए आपने 1 जोड़ा, यहाँ पे आपको माइनस 6 करना पड़ा, यहाँ से यहाँ पे आए आपने क्या किया भाई? प्लस 1 किया, पक्का कोई दिक्कत? एच की रैंक कितनी होती है? 8। आई की रैंक 9। वी की रैंक कितनी होती है? जल्दी बोलिए 22। और इसकी रैंक कितनी? 23। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम था, और आप देखेंगे यहाँ पे भी गैप ठीक ठाक है। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को दो दो के गैप में देखना है, इसका मतलब मेरे को क्वेश्चन को क्या करना है, दो दो गैप में देखना है, क्योंकि पहले दो नंबर पास पास है, आगे वाले दो नंबर क्या है? पास पास है, दो ऑप्शन में गैप काफ़ी आ गया, इसलिए मैं अब कंटिन्यू नहीं देखने वाला हूँ। ये चीज़ आपको क्वेश्चन से समझ में आएगी ऑप्शन देख देख के। यहाँ पे भी एक जोड़ने पे आए, यहाँ पे भी एक जोड़ने पे आए, पक्का कोई दिक्कत? सेम कहानी, एफ की रैंक कितनी? 6, जी की 7, के की 11 और एल की कितनी? 12। यहाँ पे भी एक जोड़ने पे, यहाँ पे भी एक जोड़ने पे। अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन गलत नज़र आ सकता है, क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कब आपको दो दो का पेयर लेना है, कब आपको लगातार देखना है, कब एक छोड़ के एक देखना है। मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ, वापस सुन लीजिए। अगर सारे नंबर पास पास होते जैसे इस ऑप्शन को देख के लग रहा था तो मैं कंटिन्यू देखता, लेकिन जैसे आप ये वाला और ये वाला ऑप्शन देखेंगे इनमें काफ़ी गैप है, इसका मतलब आपको कंटिन्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले दो नंबर पास है, आखिरी दो नंबर पास है, मतलब दो दो का पेयर बनाना है, पक्का कोई दिक्कत? अगर सीरीज बढ़ती कम हो जाती तो मैं एक छोड़ के एक पे आता, तो आप देख सकते हैं इन तीन में पेयर के अंदर क्या क्या हो रहा है, पेयर मतलब दो दो में एक एक जुड़ रहा है, इसमें कितना कितना जुड़ रहा है? दो दो जुड़ रहा है, तो ये अलग है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप मैंने जो बोला है आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी करिए। क्या करेंगे? जल्दी करेंगे मास्टर जी, और कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन करिए। रैंक उंगलियों पे याद होनी चाहिए, मुख जबानी डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या हो रहा है। डी की रैंक कितनी है? 4 है। सी की कितनी? 3। इसकी कितनी? 2। इसकी कितनी? 1। ये लो गुरुजी, 4 3 2 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस। यहाँ पे आइए, एच की रैंक कितनी है? 8। इसकी 7, इसकी 6, इसकी 5। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस। आइए, पी की रैंक कितनी है? जल्दी बोलो पी की रैंक, जल्दी बोलो, बोलो बोलो कितनी रैंक है पी की? 16। फिर क्यू की 17, इसकी 18, इसकी 19। यहाँ पे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। आर की रैंक 18, क्यू की रैंक 17, पी की 16, ओ की 15। क्या हो रहा है? माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। तीन ऑप्शन में -1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बार बार करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ पेन चलाना है, आपको कहाँ पेन नहीं चलाना है। तो ये क्वेश्चन पेन चलाने वाला नहीं था, आप डायरेक्ट देख सकते हैं, डी से लेके ए तक डिक्रीज हो रहा है, एच से लेके ई तक डिक्रीज हो रहा है, पी से लेके एस तक इंक्रीज हो रहा है, आर से लेके ओ तक डिक्रीज हो रहा है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं, और सारे के सारे कंटिन्यू है, पक्का कोई दिक्कत? करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, जितना जल्दी करेंगे जितना जल्दी समझेंगे अपने को फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, क्या करेंगे जल्दी करिए, क्या करेंगे भाई? वही रैंक देंगे, बी की रैंक कितनी? 2। एफ की रैंक कितनी? 6। जे की रैंक कितनी? 10। एन की रैंक कितनी? 14। क्या करेंगे? लो गुरु जी, 2 से 6 पे गए, 4 जोड़ा 4 जोड़ा 4 जोड़ा, पक्का कोई दिक्कत? डी की रैंक कितनी है? 4। एच की रैंक 8 12 16। कितना कितना जुड़ रहा है देखते ही पता चल रहा है, 4 का पहाड़ा चल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? 4 4 जोड़ना पड़ेगा। जी की रैंक 7, आई की रैंक 9, एम की रैंक कितनी है? 13 है, क्यू की रैंक 17,
यहाँ पे भी चार जोड़ा, यहाँ पे चार जोड़ा, लेकिन यहाँ पे दो जुड़ रहा है। आइए, एच की रैंक कितनी है? 8, एल की 12, पी की 16, टी की 20, चार के पहाड़े की है ये। यहाँ पे भी चार चार जुड़ता हुआ जा रहा है, तो आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन में चार चार जुड़ रहा है, इसमें पहले दो जुड़ गया, तो ये आपका अलग हो गया तीनों से, ये आपका आंसर है। बिल्कुल आसान आसान बातें, बच्चों वाली बातें, आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसी चैप्टर की नहीं, हर चैप्टर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, हर सब्जेक्ट की। आपको वो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो लोग अक्सर छोड़ देते हैं, आपको बस बैठ के पढ़ना है। आपका चाहे मन कहीं भागे, चाहे आप ये वीडियो देखते देखते आपका मन करे कि मैं कुछ और देखना शुरू कर देता हूँ, तो आपने दोहा सुना होगा कि मन जावे तो जान दे, तू दृढ़ कस राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से तो कैसे चले तीर। अगर आपका मन भाग रहा है तो भागने दीजिए, अपने शरीर को दृढ़ करके बिठा के रखिए, आपको जरूर आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। अगर एक बार मेहनत करने की आदत पड़ गई तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख सकते हैं जिन लोगों की प्राइवेट जॉब है अभी, वो कितने परेशान हो रही है, और जिनकी सरकारी जॉब है वो कितने मस्ती से बैठे। तो गवर्नमेंट जॉब लगी आप, बड़ी ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को हल करिए, क्या आंसर आए, ये क्वेश्चन हल करके बताइए भाई जल्दी, क्या आंसर आने वाला। क्या करेंगे, रैंक देंगे, दीजिए रैंक, कितनी रैंक? 1, 2, 10, 14, 13। आप बोलोंगे ये तीन पास है, ये दो पास है, देखते ही पता चल रहा है। यहाँ पे प्लस एक, यहाँ पे प्लस चार, यहाँ पे माइनस एक, इस पे आ जाइए कितना, 17, 18, 20, 21, 26। आप देख लीजिए क्या, प्लस एक प्लस एक प्लस पाँच, इसमें आ जाइए 9, 24, कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं होगा। इस पे आ जाइए 23, 6, कुछ बात ही नहीं बनेगी, पैटर्न से तो कुछ हो ही नहीं रहा, देखते ही पता चल जाएगा आपको। इसका मतलब रैंक देने से कुछ नहीं होता। पेयर लेटर पे आएंगे, आप देख लीजिए एम और एन बस पेयर है, यहाँ पे नहीं है पेयर, आगे कहीं पेयर नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब पेयर लेटर से ही बात नहीं बनेगी। पेयर लेटर मैंने याद कराए थे, ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का क्या होता है, एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का क्या होता है, वी, सारी चीज़ें याद करवा चुका हूँ, याद होनी चाहिए। चलिए, पेयर लेटर से बात नहीं बनी तो किसके ऊपर आना पड़ेगा, स्वर और व्यंजन, वोवल और कॉन्सोनेंट। इसमें कितने हैं? एक ही है। इसमें देखिए कौन कौन है, यू है, इसमें भी कितने हैं भाई, एक है। आइए, इसके अंदर आइए, ओ है और क्या है, आई है, इसे आई है कहते हैं, ये आई बड़ा ऐसे लिखा जाता है। कितने हैं? दो है। इसमें आ जाइए कितना है, एक स्वर है। आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन में एक स्वर है, इसमें दो स्वर है, तो ये इनसे अलग है, ये आपका आंसर है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था। अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा आपको। चलिए भाई, क्या आंसर आएगा, आर की रैंक क्या है? वही सबसे पहले रैंक देंगे, आर की रैंक 18, एन की रैंक 14, एम की रैंक 13, पी की रैंक कितनी, 16। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ आने के लिए -4, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना, +3। अगले पे आइए कितनी रैंक, 10, फिर कितना है, 6, फिर 5, और फिर कितना है, 8। आप देख सकते हैं -4, -1, +3, अच्छा लग रहा है। चलिए अगले पे आइए, R की रैंक 18, P की रैंक 16, O की रैंक 15, Q की रैंक 17। यहाँ से यहाँ पे आए तो कितना, -2, -1, +2। अगले पे आइए, H की रैंक कितनी होती है, जल्दी बोलिए, 8। B की रैंक कितनी भाई, 4। C की रैंक 3, F की रैंक 6। तो यहाँ पे देखिए -4, -1, +3। आप देख सकते हैं इन तीन ऑप्शन के अंदर सेम पैटर्न है, -4, -1, +3, इसमें थोड़ा अलग है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाली चीजें आपको करनी आनी चाहिए, जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार क्वेश्चन, रैंक देके करने की कोशिश करिए। सबसे पहले रैंक देंगे तो कितनी रैंक, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो लगातार है। इसमें आइए 9, ये 6 आ गया, और ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, ये 15। आइए इसके ऊपर आइए, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें इसकी एक रैंक है, इसकी कितनी है, 16 है, इसकी कितनी रैंक है, 17 है, इसकी कितनी है, 18, इसकी 12, क्या कुछ होगा क्या? आप देख सकते हैं रैंक देने से कुछ नहीं हो रहा है। अगर रैंक देने से कुछ नहीं हो रहा तो पेयर लेटर पे आते हैं, यहाँ पे कोई पेयर लेटर नहीं है, पेयर लेटर नहीं है तो स्वर और व्यंजन पे आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, देखिए यहाँ पे ये भी स्वर है, और ये आई है बड़ा लिखा हुआ है,
ये भी स्वर है, यहाँ पे देखिए ये स्वर है लेकिन ये कोई स्वर नहीं है, यहाँ पे देखिए यू स्वर है, ई स्वर है। आप देख सकते हैं पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में पहला और लास्ट वाला अक्षर स्वर है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये अलग है, तो ये इनका आंसर है। पक्का ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ लोग रैंक देख के देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए सारे ऑप्शन देख के कि रैंक से बात बनेगी या नहीं बनेगी, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करिए, 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए क्या करेंगे भाई, वही रैंक देंगे, कितनी रैंक, 5, 16 और कितनी, 8। क्या करना पड़ा जल्दी करिए, कितना, 11 जोड़ना पड़ा, 8 माइनस करना पड़ा, क्योंकि ये दोनों के बीच में नंबर आ रहा है। पक्का यहाँ पे आइए, कितना, अब इसमें दो दो का पेयर तो बन नहीं सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो टोटल लेटर कितने, 3 है। आइए इसकी रैंक कितनी, 6, इसकी 17 और इसकी कितनी, 9। आप देख सकते हैं एक एक बड़ा हर जगह, इसका मतलब डिफरेंस तो बराबर रहने वाला है, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं आप, हर जगह एक एक बड़ा है मतलब डिफरेंस बराबर रहने वाला है, अगर यहाँ एक बढ़ गया तो यहाँ पे भी बढ़ गया, यहाँ पे भी बढ़ गया। पक्का हुआ दिक्कत, इसकी रैंक 8, इसकी 19 और इसकी कितनी, 11। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 11, यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा, 8, हर जगह दो दो बड़ा है। इस पे आइए, कितनी रैंक, 11, कितनी, 23 और कितनी, 15। आप देख सकते हैं 11 से 23 पे जाने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे देखते ही आपको आइडिया हो गया कि बाकी जगह तो +11 -8 हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये वैसे अलग है, ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ थी, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, क्या करेंगे, वही रैंक देंगे, दीजिए रैंक, एम की रैंक कितनी, 13, एस की रैंक कितनी है, 19, डब्ल्यू की रैंक कितनी है, 23, सी की रैंक 3, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 29 भी लिख सकता हूँ, याद रखिए, एच की रैंक कितनी, 8। ये चीज़ें आपके डायरेक्ट माइंड में आनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ बढ़ती हुई जा रही है, तो अचानक से छोटा नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 13 से 19 पे आने के लिए कितना करना पड़ा, आपको 6 जोड़ना पड़ा, 19 से 23 पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, 23 से 29 पे आने के लिए आपने 6 जोड़ा और यहाँ पे कितना जोड़ा, 5। पक्का कोई दिक्कत, इस पे आइए, कितना, 14 19 23, एक को मैं एक भी लिख सकता हूँ और 27 भी लिख सकता हूँ, इसकी रैंक कितनी, 8। आप देख सकते हैं कितना जोड़ना पड़ा आपको, 5, यहाँ पर 4, यहाँ पे कितना, 3 और यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 6 जोड़ना पड़ेगा। आइए इस पे आइए, जी 7, एम 13, आर 18, बी 22, वाई कितना, 25। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ा, 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना, 3। यहाँ पे आ जाइए, यू की रैंक कितनी, 21, जेड की रैंक कितनी, जल्दी बोलो, 26, ई की रैंक 5, इसकी 9 और इसकी 12। आप देख सकते हैं आपने 5 जोड़ा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 31 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 31 में से 26 जाएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 5, यहाँ पे भी 5 जुड़ा, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 4 जुड़ा और यहाँ पे कितना जुड़ा, 3। कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा है, तीन जगह एक जैसा पैटर्न नहीं लग रहा है, पक्का कोई दिक्कत। चलिए तो क्या करेंगे, पेयर लेटर पे आएंगे, पेयर लेटर आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एम का पेयर एन होता है, कहीं नज़र नहीं आ रहा। एस का पेयर एच होता है, ज़रूर नज़र आ रहा है, इसमें भी एस का पेयर एच नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, पक्का कोई दिक्कत, पेयर लेटर से बात नहीं होनी, पेयर लेटर हर किसी का नज़र आना चाहिए। तो स्वर और व्यंजन पे आएंगे, आप देख सकते हैं कोई स्वर नहीं है, 0 है। यहाँ पे आइए, एक स्वर, यहाँ पे आइए, जी एम आर वी वाई, कोई स्वर नहीं है, 0 है। यहाँ पे आइए, यू ई आई, 3 स्वर है भाई, अब क्या करें, स्वर से भी नहीं हो रहा, पेयर लेटर से भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि या तो 3 जगह 0 स्वर आते, अब क्या करें, गौर से सुनते हुए जाइए। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कैसे करना था, गौर से देखिए, यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक तरीके से पैटर्न नहीं लग रहा, मतलब फिक्स तरीके से पैटर्न नहीं लग रहा, ना फिक्स तरीके से कम हो रहे हैं, ना फिक्स तरीके से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो क्या हुआ, सीरीज एक बार कम हुई, बढ़ी, यहाँ पे भी यही हुआ, सीरीज कम हुई, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई, यही हो रहा है, कम हुई बढ़ी, कम हुई बढ़ गई, यहाँ पे भी यही हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, 6, 5, 4, 3, यहाँ पे भी यही हो रहा है, 5, 5 बराबर रहा, फिर कम हो गया। आप देख सकते हैं सिर्फ इस एक में ही सिस्टोमेटिक तरीके से क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, बाकी कहीं पे भी सिस्टोमेटिक तरीके से डिफरेंस नहीं आ रहा है। इन तीन में कोई भी पैटर्न से सिस्टोमेटिक तरीके से डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये अलग है, ये आपको आंसर देना पड़ेगा उस टाइम।
क्योंकि बाकी कोई पैटर्न लग ही नहीं था, अगर बाकी पैटर्न से आंसर आता तो मैं वो आंसर देता पक्का। कोई दिक्कत, समझ में आया मैंने क्या कहा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या करेंगे, जल्दी करिए। रैंक देंगे सबसे पहले, कितनी रैंक? ए की 5। आइए जी की रैंक कितनी होती है? 7। के की 11। क्यू की कितनी होती है भाई? 17। क्या करना पड़ेगा? +2 कितना? +4 कितना? +6। बड़ा अच्छा लगा, अगले पे आइए। 3 रैंक, 5, 9 और कितना? 15। आप देख सकते हैं कितना जोड़ना पड़ा, +2 +4 +6। आगे पे वाले पे आइए, 12 14 17 और कितना? 23। आप देख सकते हैं +2 +14 से 17 पे जाने के लिए +3 करना पड़ेगा, यहाँ पे +6 है। पी की रैंक कितनी है? 16। आर की 18, 22 और कितना? 2, मतलब मैं 28 भी लिख सकता हूँ। चलिए कितना? +2 +4 +6। आप देख सकते हैं इन तीन के अंदर +2 +4 +6 लग रहा है, इसके अंदर नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बीच में +3 आ गया, तो ये अलग है। तो ये आपका आंसर पक्का। कोई दिक्कत, अच्छा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। आपको लग रहा होगा सारे क्वेश्चन आसान है, सारे आसान नहीं है। जब आप एग्जाम में करने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कितने मुश्किल है। तो आप पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप गलत कराए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या करें, रैंक देंगे, दीजिए रैंक, कितनी रैंक? 16 17 फिर कितनी है वही 24 और कितनी? 26। आप देख सकते हैं आपने +1 किया है, यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा है, यहाँ पे आपने क्या किया है भाई? +2 किया है। सेम कहानी, बी से सी पे आए हैं, क्यू से किस पे आए हैं? एन पे आए हैं। आप यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो +1 हुआ है, 17 से 14 पे आएंगे तो -3 हुआ है। यहाँ पे आ जाइए, ए बी और 4 और कितना? 6। आप देख सकते हैं ए से बी आने के लिए आपने क्या किया है? 1 जोड़ा है। 4 से 6 आने के लिए 2। आप रैंक भी देख सकते हैं, एम से एन आने के लिए 1 जोड़ते हैं, एन से पी से आर जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। मेरे को देखते ही समझ में आ गया था ऑप्शन कि आपको क्या करना पड़ेगा, दो दो के पैर में बांटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी अंतर है, यहाँ पे भी काफ़ी अंतर है। पक्का कोई दिक्कत, आइए। तो बाकी हर जगह क्या हो रहा है? +1 +2 हो रहा है, इसके अंदर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो ये अलग है, ये आपका आंसर है। तो आपको क्वेश्चन देख के पहचानना पड़ेगा आपको कहाँ पे जाना है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कराने हैं, क्योंकि अगर अपन एक घंटे में 4 5 10 क्वेश्चन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए इस पे आ जाइए भाई, क्या करेंगे? रैंक दो मास्टर जी, दीजिए रैंक, कितनी रैंक? 16 फिर कितनी है? 18 है फिर कितनी है? 19 है फिर कितनी है? 21 है। तो क्या करिए, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2। अच्छा लगा, इसके ऊपर आ जाइए। आइए कितनी रैंक? 19 21 23 और कितना? 25। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है। पक्का? आप कुछ लोग सोचेंगे +2 +2 +2 तो ये आंसर दे देते हैं। आप ऐसी गलती मत करिए। 8 10 12 14 सारे ऑप्शन सोल्व करके देखिए, फिर देखिए +2 +2 +2 यहाँ पे आ जाइए। 3 5 7 9 आप देख सकते हैं +2 +2 +2 हर जगह +2 +2 हो रहा है, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे बीच में +1 हो गया, तो ये अलग है, ये आपका आंसर है। पक्का कोई दिक्कत आ गया समझ में? आगे बढ़ूँ? हाँ बढ़ जाओ, आ जाओ आप भी बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। करिए भाई, क्या करेंगे, कोशिश करके देखिए, आप भी करके देखिए, आप भी आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही रैंक देंगे, दीजिए रैंक, कितनी रैंक है भाई? 10 11 15 और कितना? 16। आइए क्या करना पड़ा? +1 +4 +1। आइए यहाँ पे आ जाइए, कितनी रैंक? 13 14 19 और कितना? 20 कितना? +1 +5 +1 यहाँ पे आ जाइए। सी की रैंक कितनी है भाई, जल्दी बोलो? 3 इसकी रैंक 1 फिर 2 और फिर कितनी? 4 यहाँ पे देखिए -2 +1 +2 इस पे आ जाइए। को की रैंक 15 फिर कितना है? 16 है फिर कितना है? 23 है फिर कितना है? 24। आप देख सकते हैं यहाँ पे +1, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा +7 और यहाँ पे +1 है। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बीच वाले को टाटा करना पड़ेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, पेयर पेयर के अंदर देखना पड़ेगा। यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, इधर भी +1 हो रहा है, इधर भी +1, क्योंकि गैप ज़्यादा हो गया। पक्का कोई दिक्कत,
देखिए बाकी जगह प्लस एक हो रहा है, यहाँ पे नहीं हुआ तो ये आपका अलग हो गया, ये आपका आंसर है। पक्का कोई दिक्कत, आराम से कर सकते हैं, पक्का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए भाई क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर से सोच समझ के क्वेश्चन करना। पेयर लेटर नजर आ रहे हैं, देखते ही पता चलेगा, आपको ही पता चलना चाहिए, तब पता चलेगा जब आपको पेयर लेटर याद होंगे। आई होप आपको याद होंगे, नहीं है तो आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आएंगे तब याद करने ही पड़ेंगे आपको। चलिए देख सकते हैं, डी का पेयर क्या होता है, डब्लू होता है, एच का पेयर एस होता है, बी का पेयर वाई, डी का पेयर डब्लू, सही बात है, सी का पेयर डब्लू, एफ का पेयर एस नहीं होता है, एफ का पेयर यू होता है, ई का पेयर वी, जे का पेयर क्यू, तो इसमें पेयर लेटर नहीं बन रहा है, तो ये अलग है आपका आंसर, पक्का हो जाएगा। तो अब रैंक से कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसका पेयर नहीं है, तो ये आपका आंसर, पक्का हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए कोशिश करिए आप क्या करेंगे, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है आपके लिए, कोशिश करके देखिए आप क्या करेंगे। चलिए डी की रैंक कितनी है, 4 है, एच की रैंक कितनी है भाई, 8 है, एल की रैंक 12, 16, देखते ही पता चल रहा है मास्टर जी, 4 4 4 जोड़ा है। आइए टी की रैंक कितनी है, 20, एक्स की रैंक 24, बी की रैंक 28 भी होती है और 2 भी होती है, एफ की रैंक कितनी, 6, आप देख सकते हैं 4 जोड़ा है, 2 में 4 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा, जे की रैंक 10 होती है, एन की रैंक कितनी होती है जल्दी बोलो, 14, आर की रैंक कितनी होती है 18, वी की रैंक 22, आप देख सकते हैं 4 4 4 है। आइए वाई की रैंक 25, 2 की इसकी कितनी, मैं 28 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 लिखूँगा, इसको 8 लिखूँगा, आप देख सकते हैं हर जगह कितना कितना जोड़ा है, 3 3 जोड़ा है, बाकी सब में 4 4 जुड़ रहा है, इसमें 3 3 जुड़ रहा है, तो ये अलग है, ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कब रैंक 2 को 28 लिखना है, 3 को 29 लिखना है, कब दो दो के पेयर में करना है, कब लगातार करना है, कब एक छोड़ के एक करना है, कब स्वर वाला कॉन्सेप्ट लेके आना है, कब पेयर लेटर लेके आनी है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कर लीजिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए, हम आपके लिए हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, पेपर भी करवाने वाले हैं, अभी तो हम सारे अलग अलग बता रहे हैं, फिर एक साथ 3 4 घंटे क्लास लेके पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।